वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पेज 2 एंड 3 को एक्सप्लेन किया था। नाउ ओपन दी पेज 4। इससे पहले मैं आपको 2 एंड 3 का ओवरव्यू देती चलूँ। डोरथी एक स्केयर क्रो से मुलाकात करती है। उसमें वो जो है आपस में डिस्कशन करते हैं और स्केयर क्रो क्या करता है, उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। और इसमें क्या था कि स्केयर क्रो की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया था। नाउ हम पढ़ते हैं कि डोरथी कहाँ जा रही थी। आई एम गोइंग टू आस्क दी ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कसास। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। आस्क यानी दी ग्रो ग्रेट ओज। अब ग्रेट ओज कौन है? वहाँ उस सिटी का क्या था, एक बहुत बड़ा रूलर था, बादशाह था, जो बड़ा बंदा था। ठीक है, टू सेंड मी बैक होम टू कसास, के मुझे वो अपने घर भेज दे कसास में। ठीक है, वेयर इन दी एमराल सिटी, एमराल सिटी कहाँ है? सेट दी स्केयर क्रो, नकली आदमी ने कहा। एंड हु इज़ ऑज, और ऑज कौन है? Why don't you know, क्या तुम, why क्यों, don't you know, क्या तुम नहीं जानते? She replied in surprise, उसने जवाब दिया in surprise, हैरान कुनी से। ठीक है, बिल्कुल हैरान होकर उसने जवाब दिया कि क्या तुम नहीं जानते। No, नहीं, indeed, सच में, I don't know anything, मैं कोई भी चीज़ नहीं जानता। यू सी, तुम देख सकती हो। आई एम स्टक विद स्ट्रॉ, कि मैं बिल्कुल तिनकों से बना हुआ हूँ। ठीक है, सो आई हैव नो ब्रेन एट ऑल, कि मेरे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। ही आंसर्ड सडनली, उसने क्या लिया, बिल्कुल गमगीन होकर जवाब दिया। ओ सेड डोरथी, ओ अफसोस से, सेड डोरथी, डोरथी ने कहा, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे आपके लिए अफसोस है। Do you think, he asked, do you think, क्या तुम सोचती हो, he asked, उसने कहा, if I go to the Emerald City with you, अगर मैं आपके साथ Emerald City आ जाऊँ, that Oz, वो Oz would give me, क्या देगा, some brain, कुछ दिमाग देगा क्या? I don't know, मैं नहीं जानती, she replied, उसने जवाब दिया, come to the Emerald City with me and Toto, I don't know, मैं नहीं जानती, she replied, उसने जवाब दिया, come to the Emerald City, मेरे साथ Emerald City आओ, with me and Toto, और मेरे कुत्ते के साथ। you can ask the Great Oz for a brain, you can, कह सकते हो तुम, ask, कहना, the Great Oz for a brain, दिमाग के लिए। ठीक है, what if he does not give me one, वो कहता है, what, क्या, if he does not give me, मुझे नहीं देगा one, कुछ भी वो मुझे नहीं देगा। You should try anyway. Anyway का क्या मतलब होता है, कि खैर या बहरहाल, आप क्या कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। Try का क्या मतलब होता है, कोशिश करना। You should try anyway, खैर तुम कोशिश कर सकते हो, said Dorothy, Dorothy ने कहा। You have nothing to lose, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और इनके साथ इनका डॉग भी है। ठीक है, That is true, said the scarecrow. ये बिल्कुल ठीक है, that is true, ये ठीक है, said the scarecrow, नकली आदमी ने कहा। You see, तुम देख सकती हो, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I can't get hurt. कहती है, तुम देख सकती हो कि मेरे जो है, मैं ये mind नहीं करता कि मेरे legs हैं, arms हैं, यानी टांगे और जो हैं बाजू, वो किससे बने हुए हैं, तिनकों से बने हुए हैं, और ये मुझे बिल्कुल hurt नहीं करता या मुझे नुकसान नहीं देते। If anyone if anyone tread on my toes or stick a pin into me, कहते हैं कि अगर कोई मेरे पाँव पे भी चढ़ जाए, ठीक है, या वो मुझे कोई सुई भी चुभो दे, it doesn't matter, ये मेरे लिए matter नहीं करता, ठीक है, because I can't feel it, because मैं इसे feel नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कहता है कि अगर कोई मेरे पाँव पे भी चढ़ जाए या कोई मुझे सुई भी चुभो दे, तो मुझे इसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तिनकों से बना हुआ हूँ। ऑफ कोर्स वो जब तिनकों से बना हुआ है तो उसे फील भी नहीं होना। Dorothy listened carefully and nodded. ठीक है, Dorothy क्या करती है, listen का क्या मतलब होता है, सुनना, carefully, एहतियात से, and nodded, और सर हिलाती है। She was amazed, वो हैरान होती है, to see, ये देखकर, the scarecrow walking and talking, के जो नकली आदमी है वो चल भी रहा है और बातें भी कर रहा है। ठीक है, Dorothy क्या करती है, उसकी बात carefully सुन रही होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और अपना सर हिला रही होती है, और वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो एक नकली आदमी कैसे चल भी सकता है और बात भी कर सकता है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। ठीक है, अब
क्या कहता है स्केयरक्रो, बट लेकिन आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता पीपल लोग टू कॉल बुलाए मी अ फूल, कि मुझे वो पागल कहें, ठीक है। एंड इफ माई हेड स्टेड स्टफ विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन एज यूर इज, वो कहता है, एंड इफ माई हार्ट से, कहता है कि अगर मेरा दिमाग क्या है तिनको की बजाय ब्रेन से भरा हुआ होता एज यूर इज, जैसे कि तुम्हारा है, हाउ एम आई एवर टू नो एनी थिंग, मैं कैसे क्या कोई चीज़ जान सकता हूँ, ठीक है। नाउ पेज नंबर 5, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ, अंडरस्टैंड समझ सकती हूँ हाउ यू फील, कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। सेड द लिटल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, हु वाज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यानी दिल से क्या है अफसोस है मुझे, इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क, कहती है, इफ़ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आओगे आई विल आस्क ऑज, मैं ऑज से कहूँगी, ऑज रूलर, ठीक है, टू डू आर ही कैन फॉर यू, कर सकता है फॉर यू तुम्हारे लिए, कहती है अगर तुम मेरे साथ मेरे शहर में आओगे तो वहाँ जो औज है मैं उसे कहूँगी कि वो सब कुछ करे जो वो कर सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया, ही आंसर्ड ग्रेटफुली, क्या है, एहसानमंदी से, ठीक है, ग्रेटफुली क्या है, एहसानमंदी से, यानी शुक्रिया वाले लहजे से, ठीक है। वो कहता है थैंक यू, आपका शुक्रिया, ही आंसर्ड ग्रेटफुली, एहसानमंदी से उसने जवाब दिया, ठीक है। डोरथी टोटो एंड द स्केयर क्रो वॉक टू दी फेंस, ठीक है, डोरथी भी उसका पेट टोटो भी एंड द स्केयर क्रो वॉक चल रहे होते हैं टू दी फेंस बार के साथ, दे क्लाइम्ब ओवर इट, वो इसके ऊपर से छलांग लगाते हैं, इसके ऊपर से चढ़ के आते हैं, एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग दी येलो ब्रिक्स, और क्या करते हैं रोड के साथ चलना शुरू हो जाते हैं टूवर्ड्स इमरॉल सिटी, इमरॉल सिटी जाने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो इस फेंस से इधर आ गए हैं, येलो ब्रिक्स वाली बनी हुई रोड के ऊपर आ गए हैं, और अब यहाँ से वो इमरॉल सिटी जाएंगे, ठीक है। टोटो स्निफ्ड अराउंड दी स्ट्रॉ मैन, स्निफ्ड होता है घुराना, ठीक है, क्या होता है, डोरथी टोटो स्निफ्ड अराउंड दी स्ट्रॉ मैन, वो घुराता है स्ट्रॉ मैन की तरफ, तिनको से बने हुए आदमी की तरफ, ही ग्रोल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट इन द स्ट्रॉ, वो ये क्या करता है, उसे क्या होता है, शक होता है कि वहाँ पे क्या है, तिनको में कोई चूहों का घोंसला है, ठीक है। ही वॉज बिहेविंग इन अ अनफ्रेंडली वे, वो क्या कर रहा है, रवैया बिल्कुल उसका अनफ्रेंडली वे की तरफ, और बिल्कुल अनफ्रेंडली होता है उसके साथ, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, क्योंकि वो नकली आदमी को नहीं जानता। डोंट माइंड टोटो, ऐसा मत करो टोटो, ठीक है, डोंट माइंड, सेड डोरथी टू हर, डोरथी ने उसे कहा, न्यू फ्रेंड, अपने न्यू फ्रेंड से, वो कहता है ही नेवर बाइट, ये तुम्हें नहीं काटेगा, ठीक है। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है, मैं नहीं डरता, रिप्लाइड दी स्केयर क्रो, रिप्लाइड जवाब दिया दी स्केयर क्रो नकली आदमी ने, ही कॉन्ट हर्ट दी स्ट्रॉ, ठीक है, वो कहता है कि वो तिनकों से भरे हुए आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। टोटो बी नाइस, सेड डोरथी टू हर डॉग एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, ठीक है, कहती है कि वो क्या कहती है उसे कि जो है उसे थपकी देने के लिए बैठ जाती है कि इसके साथ ऐसा ना करो, ठीक है, नीचे बैठ जाती है अपने डॉग को थपकी देने के लिए, यानी तसल्ली देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैट क्या होता है, थपकी देना। Then she picked up her basket. उठाती है her basket, अपनी टोकरी, and then began walking again. ठीक है, क्या कहते हैं, फिर से वो चलना शुरू कर देती है। Do let me carry that basket for you. मुझे ये तुम्हारे लिए टोकरी उठाने दो। I shall not mind it. और मैं इसे mind नहीं करूँगा। For I can't get tired. और मैं थकूँगा भी नहीं। Said the scarecrow. नकली आदमी ने कहा। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। उसने क्या कहा, आप क्या कर रहे हैं, स्केयर क्रो अपने बारे में उसे बता रहा है, ठीक है। टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ही कॉन्टिन्यूड, और उसने बताना शुरू किया। एज ही वॉक्ड अलोंग, जैसे वो चल रहा था साथ साथ, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है, वो कहता है देयर इज़ ओनली वन थिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, आई एम अफ्रेड ऑफ, जिससे मैं डरता हूँ या जो चीज़ मुझे परेशान करती है। वट इज़ दैट, वो क्या है,
आस्क, पूछा डोरथी, डोरथी ने, ठीक है, आस्क कहा या पूछा डोरथी, इज इट द फार्मर, क्या वो फार्मर है, हु मेड यू, जिसने तुम्हें बनाया, ठीक है, क्योंकि फार्मर से बनाया गया था इसे, जो स्केयर क्रो था उसे किसने, फार्मर ने बनाया था, ठीक है। नो, नहीं, आंसर द स्केयर क्रो, स्केयर क्रो ने जवाब दिया, नहीं, इट्स अ लाइट मैचेस, एक वो दिया है या कोई जलती हुई चीज़ है जिससे वो डरता है। ऑफ कोर्स क्या है, स्केयर क्रो तिनको से बना हुआ है, और कोई भी जब जलती हुई चीज़ उसके सामने लाओगे तो वो क्या होगा, उसे जल जाएगा, इसीलिए वो कहता है कि वो बाकी किसी से भी नहीं डरता, लेकिन वो एक जलती हुई किसी चीज़ से डरता है क्योंकि उससे वो जल जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन लेक्चर 3 वी विल डू कम्प्लीट एक्सरसाइज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।